दोस्तों 37,000 के प्राइस पॉइंट में मोटोरोला का H20 Pro आपको मिलेगा 108 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ। आइए बात करते हैं इस फोन में क्या क्या खास बात है, क्या क्या कॉन्स हैं, क्या क्या प्रोज हैं और कैसे ये फोन बेटर रहेगा या फिर इसमें क्या फीचर्स कम मिलेंगे आपको। 37,000 के प्राइस पॉइंट के आसपास मोटोरोला का H20 Pro 5G ये फोन भारत में लॉन्च हो चुका है और इसमें मिलेगा आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा, इसमें 5x ऑप्टिकल जूम और 50x यानी कि आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर बेस्ड जूम जो इस फोन में दिया हुआ है आपको वो 50x तक जाता है। लेकिन इस फोन के जूम की खास बात ये कि OIS सपोर्टेड है यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ मिलता है आपको इस फोन का सुपर जूम भी, और जो सुपर जूम वाला कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का और साथ में 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस भी है जो काफी अच्छा मैक्रो शॉट्स भी क्लिक कर सकता है। और दोस्तों अगर वीडियो की बात करें तो मेन कैमरा आपको देता है 8K वीडियो और फ्रंट कैमरा आपको देता है 4K वीडियो, और दोस्तों फ्रंट कैमरा आपको देता है 32 मेगापिक्सल का फुल गैप भी। और दोस्तों इस फोन का सबसे बड़े प्रोज में ये शामिल है कि इसमें मिलता है आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 10 बिट का ओलेड डिस्प्ले, 576 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट जो कि ओवरऑल एक्सपीरियंस को काफी स्मूथ और फास्ट बना देते हैं। इस फोन में मल्टी विंडो, फोन एज वेबकैम, फोन एज टच पैड, मतलब कि ओवरऑल इस फोन का जो पीसी इम्प्लीमेंटेशन है वो काफी अच्छा है। साथ ही साथ जब आप इस फोन के अंदर 50x जूम यूज करते हैं तो साइड में एक छोटा सा स्क्रीन बना हुआ आता है जो आपको ये देखने में हेल्प करता है कि आप फोटोग्राफ के किस एरिया में जूम कर रहे हैं। दोस्तों अगर नेटवर्क की बात की जाए तो 11 5G बैंड्स का सपोर्ट मिल जाता है आपको इस फोन में, पावरफुल स्नैपड्रैगन 870 और साथ में 30 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग। साथ में इस फोन में है मेटल का फ्रेम जो कि आपको काफी अच्छा ग्रिप और आपको कंफर्ट फील करवाता है, और फोन के डायमेंशन अच्छे होने की वजह से ये फोन काफी लाइटवेट और कॉम्पैक्ट भी लगता है, और साथ ही साथ HDR 10 प्लस आपको काफी अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस भी देते हैं। लेकिन इस फोन में 3.5mm का माइक जैक नहीं मिलता और जहां तक सुनने को आ रहा है कि स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलते। इसके अलावा इस फोन में आपको SD कार्ड स्लॉट नहीं दिया गया जिससे कि आप मेमोरी को एक्सपेंड कर पाए, और अगर ये फोन 12GB रैम 256GB एक्सपेंडेबल मेमोरी के ऑप्शन के साथ हो तो ये फोन ज्यादा बेहतर रह सकता था। लेकिन इस फोन में सबसे ज्यादा जो पसंद किया जा रहा है वो है इस फोन का क्लीन यूजर इंटरफेस, साथ ही साथ गेमिंग परफॉर्मेंस और ओवरऑल कैमरा एक्सपीरियंस। लेकिन लोलेट परफॉर्मेंस को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये और थोड़ा बेहतर रह सकता था, और दोस्तों इस फोन को आप OnePlus 9R के अल्टरनेटिव की तरह भी देख सकते हैं। लेकिन OnePlus 9R में आपको मिलते हैं 4 कैमरे और यहाँ पर इस फोन में आपको मिलते हैं 3 कैमरे, लेकिन OnePlus 9R का हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाला जो कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है और यहाँ इस फोन में आपको मिलता है 108 मेगापिक्सल। इसके अलावा दोस्तों 9R आपको मेन कैमरे में 8K वीडियो रेजोल्यूशन का ऑप्शन और फ्रंट कैमरे में आपको 4K वीडियो का ऑप्शन नहीं देता है जो कि आपको मोटोरोला देता है। 9R आपको देता है फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का और मोटोरोला H20 Pro आपको देता है फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का, और दोस्तों 9R आपको देता है 6.5 इंच का स्क्रीन जहाँ पर की H20 Pro आपको देता है 6.7 इंच का स्क्रीन। दोनों फोनों के चिपसेट GPU और CPU और इसके अलावा बैटरी के MAH यानी कि 4500 mAh की बैटरी दी गई है दोनों फोनों के अंदर आपको। लेकिन 9R आपको 65 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देता है, वहीं पर मोटोरोला का 20 Pro आपको देता है 30 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट न्यूज मोटोरोला के नए फोन के बारे में और एक छोटा सा कंपैरिजन किया है मैंने स्पेसिफिकेशंस का 9R के साथ। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।